जनपद बिजनौर के इकरा इंटरनेशनल स्कूल नजीबाबाद में इस्लामिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी आकर्षक सोच के साथ इस्लामिक सोच का एक अच्छा प्रदर्शन किया। इकरा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलशाद अहमद, प्रधानाचार्य महविश तया, अध्यापिका शो इरम नाज आफरीन, सानिया इल्मा, नेहा टुकड़ा, रिक्शा लाइबा, अनमता गुलफशा, सना अफसीन, अल्फिया तूबा, आरिफ आदि के निर्देशन में आयोजित इस्लामिक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि हाजी अब्दुल हमीद ने रिबन काट कर किया। विद्यार्थियों ने सहाबा की जिंदगी के बारे में बताया तथा सहाबा की जिंदगी पर अनेक मॉडल जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात, गारे सोर का वाक्य, वफात हजरत अली, हजरत अली का ईमान और इस्लाम कबूल करना तथा हजरत बिलाल रक्षी अनहा व हजरत अमीर मुआविया पर अनेक आकर्षक मॉडल तैयार किए और इस्लामिक भाईचारा और दूसरों की मदद करना व अन्य इस्लामिक टीचिंग पर जोर दिया। साथ ही साथ विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में अन्य टॉपिक्स पर भी अपने ज्ञान को साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हाजी अब्दुल हमीद तथा डायरेक्टर डॉक्टर दिलशाद अहमद ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ नसीम अहमद। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सहाबा, इसके बारे में कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो उनकी तैयारी की हुई है। गुड नेम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप कुछ डिफाइन करेंगे इसके बारे में, बताएंगे कुछ? उस बच्चे ने तैयार किया। किसने किया? आपने किया है? बताइएगा, बताइए जी। ये जो है चार सहाबियों के बारे में है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। ये उनके इंट्रोडक्शन है कि उन्होंने कैसे कब इस्लाम किया और कब कहाँ उनकी जनाजे वगैरह है, उनकी कहाँ शहादत हुई है, इस बारे में ये हमने मॉडल बनाया है। ओके। हजरत अबू बकर सिद्दीक जी बेटा, आप बताएंगे, बताइएगा बेटा जी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीकी की बहादुरी के उस पर बना हुआ है। ये हजरत अबू बकर की सिद्दीकी की बहादुरी बताई गई है यहाँ पर। ओके। एक अच्छे से प्रेजेंट करो जैसे तुम लोग करते हो। भूल गए, थक गए। मेरा नाम सुमैया है, मैं दर्जे 4 की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह तआला अनु का एक वाकया बताने जा रही हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह तआला अनु बनीनो इंसान में से, इन चंद खुश नसीब नेक तरीन इंसान में से थे जिन्होंने ना सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से दीन बरहक सीखने का मौका नसीब हुआ, बल्कि आप रजी अल्लाह अन उन 10 खुशकिस्मत लोगों में भी शामिल थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी। अमीरुल मोमिनीन है आप, अमीरुल मुस्लिमीन है आप, नबी ने जन्नती जिसे कहा, सिद्दीक अकबर है आप। अगर हम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अनु की जिंदगी पर नजर डाले तो आपकी जिंदगी इश्क रसूल का मरकज नजर आती है, हिजरत मदीना के उस यादगार से। बताइए। मेरा नाम बिलाल है, मैं दर्जा 8 का तालिबे इल्म हूँ। आज मैं आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक के वफात के बारे में बताने जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मज मौत का आगाज इस तरह हुआ। शदीद सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से गुसल फरमाया, जिसके 22 बुखार चढ़ गया। 15 दिन बुखार में मुबतला रहने के बाद इंतकाल फरमा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह सिद्दीक ने इशाद फरमाया, वालिद माजिद की अलालत का आगाज इस तरह हुआ। आपने 7 जमातुस्सानी सन 13 हिजरी को बरोज पीर गुसल फरमाया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु ने अहद खिलाफत में और इराक का पेशतर हिस्सा फतेह हो चुका था और आप 63 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु ने एक बहुत खूबसूरत वसीयत की थी कि मेरा जनाजा हुजूर के हुजरे के पास ले जाना और सलाम करना। हजरत अनस से भी रिवायत है और हजरत अली से भी रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वसीयत थी कि हुजूर के पास जाना और इजाजत मांगना। सलाम। Who had secretly converted to Islam.
but had not told Umar. He told Umar رضي الله عنه to inquire about his own to his sister and her husband converted to Islam. Upon arriving at her house, Umar found his sister and brother-in-law Sayyid bin Zayd رضي الله عنه reciting the verses of the Quran from Surah Taha. He started quarreling with his brother-in-law when his sister came to rescue her husband. He also started quarreling with his yet still they kept on saying, "You may kill us, but we will not give up Islam." Upon hearing these words, Umar slapped his sister so hard that she fell to the ground bleeding from her mouth. When he saw what he did to his sister, he climbed down off guilt and asked his sister, "You are unclean and no unclean person can touch the scripture." Abdullah said, "When we were migrating to Abyssinia, Umar radiallahu anhu used to permeate us mercilessly." Okay. Hazrat Umar radiallahu anhu ka iman, ye kafi sari yahan par exhibition lagi hui hai aur alag alag jo ke sahaba ikram ke characters ko bayan karti hai ke Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ke sahaba ne jo janisar sahaba the unhone kis tarike se इस दुनिया के अंदर अपने अखलाक और किरदार और मामलात के ज़रिए से लोगों को एक मैसेज पहुंचाया है। बहुत अच्छा एग्जीबिशन इंटरनेशनल स्कूल से आप लाइव देख रहे हैं। ये मॉडल से हम ये बताना चाहते हैं सहाबा इकराम ने जो अपनी ज़िंदगी में किया है वो करते कम थे और मतलब बोलते कम थे और करते ज़्यादा थे तो लोग उनसे बहुत जल्दी नसीहत हासिल करते थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ गुजारी उन्हें झेली हैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं उनकी वजह से आज इस्लाम हम तक पहुँचा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह इस्लाम वाले अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नामत से नवाजा है तो अब आज जैसे हमारे हुजूर का कोई वारिस नहीं था हम ही आज आलिम लोग जो हैं उनके वारिस हैं तो हमारा मकसद ये है कि दीन दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे आज इस्लाम जो कमज़ोर हो रहा है उसको ताकतवर हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और लोगों की ज़िंदगी में दीन आ जाए हमारा मकसद यही है कि हमारा इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और बच्चों को दोनों चीज़ मिले इंग्लिश भी मिल रही है माशाल्लाह इस स्कूल में और अरबिक भी प्रॉपर मिल रही है बच्चों को तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर तो इसलिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत से नवाजे और ईमान हमारी ईमान को बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन बनाए हमें आज सुबह से एग्जीबिशन लगी हुई है गार्जियंस आ रहे हैं और देख रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर गार्जियंस भी जी आपका नाम मोहम्मद अशरफ आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर मेरी बेटी फोर्थ क्लास में पढ़ती है अच्छा कैसा आपको लगता है कि बच्चे कैसा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा डिसिप्लिन है अरबी इंग्लिश दोनों तरह की फैसिलिटी है बहुत अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह हर तरीके से सेटिस्फाइड है आप स्कूल के जो है रूल्स रेगुलेशन वगैरह सबको फॉलो कर रहे हैं जी सबको फॉलो यहाँ के मैनेजमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड है जो यहाँ का तालीमी मेयार है उससे मुतमईन सेटिस्फाइड हां सब तरीके से सेटिस्फाइड हैं आप बताइएगा कुछ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरा नाम लाइबा है यहाँ मैं टीचिंग करती हूँ चार साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए आज हम यहाँ बता रहे हैं इस्लाम के बारे में बताने के लिए आए हैं क्योंकि इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं लोग कुछ भी नहीं जानते नमाज़ पढ़ते नहीं हैं मस्जिदें खाली पड़ी हैं बिल्कुल नहीं पता ना काबा का पता ना किसी चीज़ का पता क्यों इसलिए ये रखा है एग्जीबिशन ताकि इससे लोगों को नसीहतें मिले ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें इंग्लिश भी है और अरबिक भी है अरबिक ऐसी है अगर आप लोग सुने सारी दुआ सारी हदीस सारी लर्न होती है फिर अरबिक भी एंड इंग्लिश भी और ये एग्जीबिशन से हमारा यही मतलब है ताकि दूसरों तक इस्लाम के बारे में पहुँचाया जा सके गारे सूर के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है कुछ भी नहीं पता कहाँ से हमारा इस्लाम स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हुआ किसी के बारे में भी किसी को कोई नॉलेज नहीं है इंशाल्लाह आप लोग एडमिशन कराइए इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा स्कूल में जैसा कल कोई अरबिक बच्चा जो अरबिक बोलते हैं थोड़ा है अरबिक में बात कर लीजिए कोई है चलिए चलिए उसे टेक्स्ट चलते हैं चलो
ये एग्जीबिशन का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।